विश्व कप 2023 से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा नुकसान हो गया। आपको बता दें कि कप्तान ने अपना फोन घुमा दिया है, जिसकी वजह से अब भारतीय कप्तान परेशान नजर आ रहे हैं। बताते चले कि ये घटना राजकोट में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले से पहले हुई। दरअसल में मामला ये है कि रोहित शर्मा मुकाबले से पहले राजकोट के सौराष्ट्र के मैदान पर अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास के दौरान रोहित शर्मा अपना फोन लेना ही भूल गए, जिसके बाद उनका फोन कहीं खो गया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा लगातार इस तरह की गलतियां करते रहते हैं। रोहित शर्मा लगातार किसी न किसी चीज को भूल ही जाते हैं। विश्व कप से पहले रोहित शर्मा ने एक और बड़ी गलती की, अपना फोन घुमा के। आपको बता दें कि हाल ही में रोहित शर्मा एयरपोर्ट पर अपना पासपोर्ट भूल गए थे। एशिया कप के फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया जब भारत वापस आने के लिए एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ रही थी, तब रोहित शर्मा अपना पासपोर्ट होटल में ही भूल गए थे। ये तो अच्छा था कि पासपोर्ट उन्हें बस में बैठते ही याद आ गया था और फिर स्टाफ की मदद से उन्होंने समय रहते अपने पासपोर्ट को वापस ले लिया था। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान विराट कोहली ने इस बात का खुलासा किया था कि रोहित शर्मा बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं, जो लगातार अपने सभी चीज़ों को भूलते रहते हैं। रोहित शर्मा ने अपने फ़ोन को घुमा दिया, जो उनकी भूलने की बीमारी की वजह से ही खोया है। अब ये देखना होगा कि रोहित शर्मा कब तक नया फोन लेते हैं और क्या इसका असर उनके खेल पर देखने को मिलेगा। वेल, आपको ये बता दें कि रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया को एक बेहतर शुरुआत मिली थी। लेकिन अब उनसे उम्मीद ये की जाएगी कि भारतीय कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा खेल दिखाए, ताकि टीम इंडिया को एक अच्छी जीत मिल सके। इस खबर में इतना ही, बने रहिए वन इंडिया के साथ।